नमस्कार। कक्षा षष्ठ में टिकट एल्बम पाठ 9 सुंदरा स्वामी द्वारा लिखा गया और इस पाठ में व्याख्या का काम पूरा हो चुका है। अब मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और उत्तर आप खुद लिखेंगे। मैं सिर्फ उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए आपको यह बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न है कहानी से, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? पर क्या लिखा? और क्यों? ये प्रश्न। उसके बाद उसका इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो डैश दे करके क्या हुआ, पूरा प्रश्न नहीं लिख पाएंगे। उत्तर, अब इनके क्या लिखा था ये यहां पर दिया हुआ है पृष्ठ 61 पर, ए एम नागराजन। तो ये लिखते हैं, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है रहेगा। तो नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? और ये देखिए प्रश्न गलत है, प्रश्न सही नहीं है। प्रश्न वैसे था क्या, इसमें नागराजन के मामा ने लिखा था। एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम पे नहीं थे। पर खुद एल्बम इतना प्यारा था कि उसे छू लेना ही बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहां थोड़ी मिलेगा। एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखा था। तो देखिए, ये नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था प्रश्न है। ये नागराजन ने नहीं लिखा था, नागराजन के मामा ने लिखा था। अगर होता नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था तो प्रश्न सही हो जाता, लेकिन नागराजन ने एल्बम के लिख दिया तो इसको मैं के कर दे रहा हूं। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था, तो आप उत्तर में लिखोगे नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर, एल्बम के लिखा था कि अब इसके बाद जो लिखा है इसको आप यहां से पूरा उतार लोगे, वो पूरा हो गया। उसके बाद लिखा क्यों लिखा, तो ऐसा इसलिए लिखा कि कोई एल्बम को ना चुराए, ठीक है, कोई भी एल्बम को चुराए ना। इसका दूसरों पर असर क्या हुआ, दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका क्या असर हुआ? तो इसका दूसरे लड़के लड़कियों पर असर ये हुआ कि लड़कों ने झट कॉपियों में, लड़कों ने जो है इसे एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तो इसका
दूसरे लड़के लड़कियों पर, इसका दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ। ठीक है, इसके बाद दो लाइन यहां बनाओगे। ये बोर्ड के लिए अभी से आपको ये अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न नंबर दो है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। प्रश्न दो, नागराजन, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा की क्या दशा हुई। उत्तर, तो राज नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा दुखी रहने लगा। उसे लगा कि उसका एल्बम बेकार है, उसके एल्बम, अपने एल्बम के बारे में बातें करना उचित नहीं है। राजप्पा मन ही मन उड़ रहा था। इसको देखो, तब नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन उड़ने लगा। उड़ने लगा, ठीक है, उसे लगा कि उसे स्कूल जाना खलने लगा, दूसरे लड़कों के सामने आने में शर्म आने लगी। ठीक है, इस प्रकार से वह घर ही में घुसने लग, घर गुस्सा हो गया। तो देखिए, राजप्पा मन ही मन उड़ने लगा, उसे दूसरे लड़कों से बात करने में शर्म आने लगी, वह दुखी रहने लगा, स्कूल जाना उसे बुरा लगने लगा, तो उसकी यह मनोदशा हुई। इस प्रकार से लिखने के बाद अंडरलाइन कर दो। प्रश्न नंबर तीन, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। प्रश्न तीन, एल्बम चुराते समय किस मानसिक स्थिति से इसका उत्तर राजप्पा की मानसिक स्थिति, एल्बम चुराते समय राजप्पा की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका तेज दिल तेजी से धड़क रहा था। तो एल्बम चुराते समय राजप्पा की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका गला सूख रहा था। शरीर जल रही थी। तो
से धड़क रहा था। ये उत्तर यहां पूरा हुआ, दो लाइनें खींच दीजिए। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? प्रश्न चार, राजप्पा ने अंगीठी डाल दिया, उत्तर, राजप्पा ने नागराजन का एल्बम अंगीठी में इसलिए डाल दिया क्योंकि वह एल्बम को नष्ट करना चाहता था। उसे डर था कि यदि एल्बम नष्ट नहीं किया गया तो वो पकड़ा जा सकता है, उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है। यहां तक पूरा करने के बाद डबल, इसके बाद लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? तो प्रश्न नंबर पांच, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? क्योंकि उत्तर, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की क्योंकि जिस प्रकार से फूल फूल पर जाकर के मधुमक्खियां उसका रस चूसती हैं और फिर अपने घर में आकर के उसे शहद के रूप में बदलती हैं, वैसे ही घर घर जाकर के कड़ी मेहनत करके राजप्पा ने टिकट इकट्ठा किया था। उत्तर पूरा हुआ, यहां पर अंडरलाइन कर दीजिए। कहानी से आगे, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो उनके नाम कई हो सकते हैं, जैसे दिया सलाई, माचिस, जैसे पेन, प्राचीन जब से पेन की खोज हुई किस प्रकार से इसमें विकास होता गया, रुपया, करेंसी, इस प्रकार से ये विविध चीजें हो सकती हैं। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहोगे? तो दोनों के तरीके में बड़ा फर्क है। राजप्पा ने खुद मेहनत करके टिकट संग्रह किया, जबकि नागराजन को ये एल्बम उसके मामा जी ने दिया था। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं राजप्पा के तरीके को अपनाना चाहूंगा क्योंकि मेहनत करके मैं कोई काम करना चाहता हूं। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखिए। देश के आधार पर एक हो गया, ये यहां पर लिख रहा हूं मैं। कहानी से आगे प्रश्न तीन,
कौन सी चीजें हो सकती हैं, इन्होंने देश दिया। दूसरा हम लिख सकते हैं शासक के आधार पर, नंबर दो रंग के आधार पर, नंबर तीन विचारधारा, किस विचारधारा का शासक था, तो विचारधारा के आधार पर। नंबर चार आकार के आधार पर, गुणवत्ता कागज की गुणवत्ता के आधार पर, तो ये विभिन्न तरीके हो सकते हैं। कई लोग चीजें इकट्ठा करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी, सोचो और अपने दोस्तों से बातचीत करो, ये आपको खुद बातचीत करना है। अनुमान और कल्पना, तो अनुमान और कल्पना में राजप्पा अल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता, क्योंकि अपनी चोरी कोई किसी से नहीं कहता, अपनी कमियां कोई किसी से नहीं कहता। अगर वह कह देता तो क्या कहानी होती, क्या अंत में कुछ फर्क पड़ता। यदि वह कह देता तो नागराजन उससे क्रोधित हो जाता, दोनों में हल्की फुल्की लड़ाइयां होती, मामला घर तक जाता और नागराज राजप्पा की जो इमेज थी वो खत्म हो जाती। यद्यपि अल्बम राजप्पा के पास ही रहता लेकिन उस अल्बम का महत्व खत्म हो जाता, क्योंकि अल्बम बनाने वाले के चरित्र का पतन हो जाता। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं अल्बम क्यों नहीं बनाते थे, वे राजप्पा और नागराजन के अल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं, तो देखिए, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। तो समाज में सिर्फ 1-2% लोग ही हैं जो रचनात्मक कार्य करते हैं, शेष लोग उन्हीं रचनात्मक कार्यों को अपनाकर, उन्हें देखकर और उन्हीं से अपना काम चलाते हैं। तो जो रचनात्मक होता है वह कालजयी होता है और प्रत्येक कालखंड में उसका स्मरण किया जाता है, और शेष लोग जो होते हैं वे इसी उम्र में, अपने इसी समय में, अपने कालखंड में सिर्फ आनंद लेकर के चले जाते हैं, बाद में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। तो देखो भाषा की बात, ये कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढो और उनका अर्थ समझो। तो खोसना, खोसना उसने क्या किया, अपने पैंट में खोस लिया। जमघट मतलब भीड़ लग गई। अगुआ मतलब नेता, वो लड़की जो है, ये पृष्ठ देखिए यहां पर है, वो पार्वती, पार्वती लड़कियों की अगुआ थी यानी उनकी नेता थी। पुचकारना मतलब सहलाना, फुसलाना। टटोलना मतलब ढूंढना, प्रयास करना। खलना मतलब बुरा लगना। कुढ़ना मतलब दुखी होना। हेकड़ी मतलब धमकी। ठहाका मतलब जोर से हंसना। तारीफ मतलब प्रशंसा। कहानी में व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों को छाट कर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो भाषा की बात, प्रश्नोत्तर दो, प्रश्नोत्तर दो।
ये कह रहे हैं नहीं का अर्थ देने वाले विशेषण, नकारात्मक विशेषण, विशेषण और विलोम, तो नकारात्मक विशेषण कहां कहां है और उनका विलोम क्या क्या है ये इन्होंने कहा है छांटने के लिए। तो देखिए अब ये देखिए अल्बम फिसड्डी है, फिसड्डी ये जो है नकारात्मक है, फिसड्डी का होगा अच्छा, अल्बम फिसड्डी है, फिसड्डी का मतलब अच्छा। इसके अलावा अल्बम चुराने वाला बेशर्म है, बेशर्म इसका अर्थ होगा, इसका विलोम होगा शर्म। अल्बम कूड़ा है, कूड़ा अच्छा। फालतू है, उपयोगी कुछ करने को। मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई चीज खो गई है जिसे तुम चाहते हो कि वह चीज मिले, वह तुम्हें लौटा दे जिसको भी मिले, तो स्कूल के इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदुएं हो। तो एक आपको नोटिस बनानी है निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित, आपका बोर्ड है, बोर्ड पर लिखोगे सूचना, आप लिखोगे सूचना, सूचना में क्या लिखोगे, पहली बात कल दिनांक इतने इतने को, ठीक है।
अब खोया हुआ खोई हुई चीज, खोई हुई चीज, तो मेरी अब कोई चीज खो गई आपको, मान लो घड़ी, ठीक है, मेरी घड़ी विद्यालय के अब कहां खोई है, बास्केटबॉल ग्राउंड में खोई है मान लो, तो बास्केटबॉल ग्राउंड में खो गई, ठीक है। ढूंढने का प्रयास किया परंतु मिली नहीं, अब मिल जाने पर कहां लौटाया जाए, यदि आपको आपको मेरी घड़ी जो टाइटन की है, टाइटन की सोने के रंग की है, है, यदि आपको मिलती है तो विद्यालय के खोया पाया विभाग में जमा करने का जमा कर दें। धन्यवाद। इस प्रकार से नोटिस में इनकी जो सभी बिंदु है वो आ गए। डाक टिकट, अगला प्रश्न, डाक टिकट के बारे में और जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित बड़ी टिकटों की, डाक टिकटों की कहानी, इसे पढ़ो। सुनना सुनाना, राजप्पा और नागराजन की तरह तुम भी कोई शौक रखते हो तो उससे जुड़े किस्से यानी कहानियां सुनाओ। कुछ कहानियां सुखांत तो होती हैं, भारत की लगभग सभी कहानियां सुखांत तो होती हैं। सुखांत तो मतलब जिसमें अंत सुखमय हो, जैसे नायक नायिका जीवन भर कष्ट झेले लेकिन अंत में विजय प्राप्त किए। और कुछ कहानियां दुखांत होती हैं, यानी दुखमय होती है, ट्रेजेडी होती है। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत मानोगे? वास्तव में यह कहानी सुखांत है। क्यों? क्योंकि राजप्पा ने अपना एल्बम उसे दे दिया और इससे उसका दुख कुछ कम हुआ, और राजप्पा को अपना एल्बम खोना पड़ा। गलती भी राजप्पा ने की थी, यदि वह एल्बम नहीं चुराता तो उसे अपना एल्बम नहीं देना पड़ता। इसलिए यह कहानी सुखांत है, जहां एक तरफ राजप्पा अपने किए हुए अपराध बोध से मुक्त होता है, वहीं दूसरी तरफ नागराजन को अपने खोए हुए एल्बम का उतना दुख नहीं होता है। इसलिए यह कहानी सुखांत है। तो इसको पूरा करिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।